आज हम जानेंगे बेबी माइलस्टोन्स चार्ट के बारे में कि बेबी को किस मंथ से किस मंथ तक कौन से माइलस्टोन्स पहुंच जाना चाहिए और अगर बेबी टाइम से माइलस्टोन नहीं पहुंच रहा है तो क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। बेबी के पैदा होने से लेकर 2 महीने के बीच में मोटर माइलस्टोन्स, अगर बेबी को टमी पर लिटाया जाए तो बेबी अपना हेड लिफ्ट कर सकता है और बेबी साउंड की तरफ अपना हेड टर्न कर सकता है और इस टाइम पर बेबी अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। लैंग्वेज माइलस्टोन्स, इस टाइम पर बेबी रोते हैं, कूज एंड गर्गल्स करते हैं। कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, बेबीज लाउड नॉइस और ब्राइट लाइट पर रिस्पॉन्स करते हैं। सोशल इमोशनल माइलस्टोन्स, पैदा होने से 2 महीने तक के बीच में बेबीज अपने पेरेंट्स और केयर गिवर को पहचानने लग जाते हैं। 2 से 3 महीने के बेबीज मोटर माइलस्टोन्स, जब आप उनको टमी पर लिटाते हैं तो वो अपना हेड लिफ्ट करके उसे होल्ड कर पाते हैं, वो सोशल स्माइल देना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज माइलस्टोन, बेबीज बैबल करते हैं और वोवल साउंड्स निकालने लगते हैं। कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, बेबीज मूविंग ऑब्जेक्ट्स को अपनी आंखों से ट्रैक कर सकते हैं। सोशल इमोशनल माइलस्टोन्स, इस टाइम पर बेबीज अपने जान पहचान वाले चेहरों में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। 4 से 5 महीने के बेबीज के मोटर माइलस्टोन्स, बेबीज रोल कर सकते हैं टमी से बैक पर और जब उन्हें सपोर्ट के साथ बैठाया जाता है तो वो अपना हेड होल्ड कर सकते हैं। लैंग्वेज माइलस्टोन्स, 4 से 5 महीने के बेबीज हंसते हैं, स्क्वील करते हैं और कांस्टेंट साउंड निकालते हैं। कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, 4 से 5 महीने के बेबीज अगर आप उनको कोई ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो वो उसे ग्रास्प करेंगे, उसे पकड़ेंगे और वो 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बैंग करेंगे। 4 से 5 महीने के बेबीज के सोशल माइलस्टोन्स, 4 से 5 महीने के बच्चों को लोगों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है और उनका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है जब वो फैमिलियर फेसेस देखते हैं। 6 से 7 महीने के माइलस्टोन्स, मोटर माइलस्टोन्स, 6 से 7 महीने का बेबी बिना किसी सपोर्ट के बैठ पाता है और बैक से टमी पर रोल कर पाता है। लैंग्वेज माइलस्टोन्स, 6 से 7 महीने के बच्चे वोवल साउंड निकालते हैं। बेबल्स, स्ट्रिंग्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वोवल्स, सेज सिंपल सिलेबल्स। 6 से 7 महीने के बच्चे के कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, वो किसी ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर सकते हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से बैंग कर सकते हैं। 6 से 7 महीने के बेबीज अपने फैमिलियर फेसेस को अफेक्शन दिखाते हैं, वो सिंपल गेम्स लाइक पीकाबू खेलना पसंद करते हैं। 8 से 9 महीने के बच्चे के माइलस्टोन्स, मोटर माइलस्टोन्स, 8 से 9 महीने के बेबीज टमी पर क्रीप करने लगते हैं और अपने आप को पुल टू स्टैंड करते हैं। लैंग्वेज माइलस्टोन्स, 8 से 9 महीने के बेबीज मामा और डैडी मीनिंगफुली कहने लगते हैं और डिफरेंट टोन्स निकालने लगते हैं। कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, 8 से 9 महीने के बच्चे सिंपल वर्ड्स समझते हैं जैसे बाय बाय, नो, यस। सोशल इमोशनल माइलस्टोन्स, 8 से 9 महीने के बच्चे सिंपल गेम्स खेलना पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैटा केक एंड पैटी केक। 10 से 11 महीने के बच्चे के माइलस्टोन्स, मोटर माइलस्टोन्स, 10 से 11 महीने का बेबी फर्नीचर के अराउंड क्रूजेस करना शुरू कर देता है और 10 से 11 महीने के बेबीज सपोर्ट से चलना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज माइलस्टोन, 10 से 11 महीने के बेबीज कुछ सिंपल वर्ड्स बोल सकते हैं और जेस्चर यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कॉग्निटिव माइलस्टोन, 10 से 11 महीने के बेबीज सिंपल कमांड्स समझते हैं। सोशल इमोशनल माइलस्टोन्स, 10 से 11 महीने के बच्चे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते हैं और वो छुपाए हुए ऑब्जेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। 12th month बेबी के माइलस्टोन्स, मोटर माइलस्टोन्स, 12 महीने का बेबी इंडिपेंडेंट वॉक कर सकता है और खुद खड़ा हो सकता है। 12 महीने के बेबी के लैंग्वेज माइलस्टोन्स, 12 महीने का बेबी सिंपल वर्ड्स बोल सकता है और सिंपल कमांड्स को समझकर उस पर रिस्पॉन्स कर सकता है। कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, 12 महीने का बच्चा
अपनी उम्र के और बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। उनको पैरलर गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। 12 महीने के बेबीज़ के सोशल इमोशनल माइलस्टोन्स। 12 महीने के बेबीज़ अपनी हैप्पीनेस, सैडनेस और एंगर एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बेबी माइलस्टोन्स टाइम से नहीं पहुंच रहा है तो बिना टाइम गवाए पीडियाट्रिशियन से मिलिए। वो रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि बेबी माइलस्टोन्स टाइम पर नहीं पहुंच रहा है। अगर किसी तरह का कोई मेडिकल इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो फाइंड आउट करेंगे। या फिर अगर बेबी को किसी तरह की फिजियोथेरेपी या फिर थेरेपीज की नीड है तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या फिर फिजियोथेरेपीज़ हैं जिनको करने से आपके बेबी को माइलस्टोन टाइम पर पहुंचने में हेल्प मिलेगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सेम चार्ट प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए भी है। बस प्रीमेच्योर बेबीज़ की एज आपको कंसीडर करनी है उनकी ड्यू डेट से, उनकी बर्थ डेट से नहीं। जैसे मेरा 24 वीक्स प्रीमेच्योर बेबी, उसकी ड्यू डेट थी 29 दिसंबर और वो बॉर्न हुआ था 13 सितंबर को, तो मैं उसके माइलस्टोन्स को चेक करने के लिए हमेशा उसकी एज कंसीडर करती थी 29 दिसंबर से ही, 13 सितंबर से नहीं। अगर मैं 13 सितंबर से उसकी एज कंसीडर करती तो मुझे हमेशा यही डर रहता कि मेरा बेबी टाइम पर माइलस्टोन्स नहीं पहुंच रहा है। इसलिए ड्यू डेट से माइलस्टोन्स चेक करने चाहिए। दो बच्चों की देखभाल के साथ साथ इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। एंड इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।